स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको टॉपिक पैसिव वॉइस के विषय में बताने जा रही हूँ। जो ये रूल्स हैं वो पैसिव वॉइस के ही हैं। और लिसन, प्लीज लिसन केयरफुली। सबसे पहले हम प्रेजेंट डेफिनेट लेते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस वाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है, फिर इसमें हम इज एम आर लेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय फिर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है ही राइट्स अ लेटर, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा वर्ब के पास रखा हुआ होता है। तो वर्ब हमारी क्या है, राइट्स। तो राइट्स के पास ही क्या रखा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट। तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट। और फिर इसके बाद रहते हैं इज एम आर, क्योंकि हमारा लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सो रिटेन, फिर बाय, बाय या फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ही का जो ऑब्जेक्ट क्या निकले निकल के आया है। फिर है सेकेंड है आपका सेकेंड वन पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसका भी एग्जाम्पल जो बनाने का जो मेथड है बच्चों वो सेम ही है। तो कैसे बनाएंगे हम, ई रोट अ लेटर, तो अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, क्योंकि ये रोट जो है हमारी क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म का मीन्स ये हुआ कि हमारे पास इंडेफिनेट का है, और पास इंडेफिनेट का है इसका मतलब ये हुआ कि हम वाज और वर्ब का यूज करेंगे। तो ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। अब थर्ड वन है आपका फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट का भी सेम मतलब मेथड है, रूल्स है, केवल इसमें केवल वर्ब चेंज हो जाती है, जैसे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट विल बी और शैल बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और सब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है ही विल राइट अ लेटर, यानी कि आप यदि सेंटेंस के अंदर विल आ रहा है तो विल का इट मीन्स है कि आपको बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे कि ए लेटर, लेटर ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स कंप्लीट हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पैसिव वॉइस के आपको रूल्स मैंने बताए थे आपको, तो उसी से रिलेटेड ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो मैं आज आपको समझाऊंगी बच्चों। और मैंने सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स बताया था, उसमें बच्चों में एक बार आपको फिर रिमाइंड कराई दे रही हूँ कि इसमें हम कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको ट्रांसलेशन का जो रूल्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफाई नहीं है, आपको पहचान नहीं है, तो आप पैसिव वॉइस बनाने में बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, शी लव्स हर हस्बैंड वेरी मच, यानी कि वह अपने हस्बैंड को बहुत अधिक प्यार करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस के जो रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं, यानी कि उसके रूल्स क्या हैं कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और फिर उसके बाद प्लस इज एम आर लगाएंगे, फिर उसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय, और बाय बाय यानी क्या, हमारा प्रपोजिशन है, और बाय के बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम ये सोचोगे कि दीदी कि हम कैसे इसको ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वर्ब कैसे पहचानेंगे। यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी, और लव हमारा क्या है, वर्ब। और ये जो वर्ब जो होती है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट की सबसे जो अच्छी पहचान है, आप पहचान लोगे आराम से, इजीली पहचान लोगे, वो ये है कि वर्ब के पास ही हमारी क्या रखी रहती है, ऑब्जेक्ट रखी रहती है। यानी कि आपको वर्ब की पहचान नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, हम मतलब ऑब्जेक्ट को दो तरीके से भी पहचान सकते हैं। एक तो फर्स्ट टाइप तो ये है कि वर्ब, ये हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब, यानी इट मीन्स वर्ब, वर्ब के पास में हमारा क्या रखा रहता है, हर हस्बैंड, यानी कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हुआ बच्चों, ये भी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। और एक पहचान ये भी है कि शी लव्स हर हस्बैंड वेरी मच, यानी कि वह अपने हस्बैंड को बहुत अधिक प्यार करती है, यानी कि वो क्या करती है,
प्यार करती है किसको? अपने हस्बैंड। किसको करती है? अपने हस्बैंड को। तो जो अपना हस्बैंड है यानी किसका, कौन, कैसे, जो इससे आपका मतलब क्वेश्चन बन के जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो एक मिनट, हमारा क्या हुआ? हर हस्बैंड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम किसको कैसे बनाएंगे बच्चों? कि सबसे हमने पहले मैंने ही बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना के मीन्स कि हर हस्बैंड हमारे जो मतलब कि ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि हमारा हर हस्बैंड क्या हुआ? ये डायरेक्ट हुआ। और इनडायरेक्ट क्या हुआ? जैसे मी, हर, देन, तो ये इनडायरेक्ट हुआ। और इसका डायरेक्ट क्या हुआ? मी का आई, और हर का क्या हुआ? शी, और देन का क्या हुआ? दे। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट हमारा क्या हुआ कि मी, मी का क्या हुआ कि आई, ऐसे करके आप इसको मतलब इस तरह से आप मतलब कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हर हस्बैंड इज, अब हर हस्बैंड एक है, उसका एक ही तो हस्बैंड है ना, तो इसलिए हमें इज एंड मार में से हमें एक चूज करना है। तो उसमें हम किसका यूज करेंगे? हम इसका। फिर थर्ड फॉर्म, एक बात का आपको विशेष स्पेशली याद रखनी है, वो क्या है? वो ये है कि आपको थर्ड फॉर्म जो है वो पूरे पैसिव वॉइस में यूज करनी है। कहीं पर देर इज नो फर्स्ट फॉर्म, देर इज नो सेकेंड फॉर्म, ओनली थर्ड फॉर्म यू विल यूज। ओके, है ना? यानी आपको अपने क्या करना है? थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। आपको फर्स्ट नहीं करनी है, सेकेंड नहीं करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको थर्ड फॉर्म भी याद होनी चाहिए। यदि आपकी थर्ड फॉर्म भी गलत हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा सेंटेंस इट विल बी रॉन्ग, आपका वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत, यानी कि वो सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप थर्ड फॉर्म को भी याद रखिएगा और स्पेलिंग भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, हर हस्बैंड। फिर इज एम आर में से हमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज। फिर थर्ड फॉर्म हमें यहाँ आ गया, और जो बाकी जो बच्चा है शेष उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। फिर इसके बाद हमने बाय लिया, और बाय के बाद हर हस्बैंड, बाय के बाद क्या आएगा? हर। शी मतलब कि शी का जो ऑब्जेक्ट मतलब बना वो क्या बना? हर बन गया। तो कैसे बना? हर हस्बैंड इज लव्ड वेरी मच। ठीक, अब सेकंड सेंटेंस क्या है? द मैशन इज बिल्डिंग द हॉल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट डेफिनेट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इसका मतलब यह इस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि इसमें भी हम सबसे पहले क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इज एम आर लेंगे, फिर इसके जो रूल्स हैं वो अलग हैं। कि एक तो पहले मतलब कि ये रूल्स ये भी हम मतलब पहचान सकते हैं कि जिसमें आई एन जी लगी हुई हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो उसमें हमें बीइंग का यूज करना पड़ता है। यदि आप बीइंग का यूज नहीं करेंगे तो हम यानी कि वो सेंटेंस जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो टेंस में है, टेंस में क्या है कि इज लगाते हैं और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा के बना देते हैं, लेकिन हम पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं? इज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। और सेम जो मेथड है पैसिव वॉइस का वो सेम क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इस तरह का हमें इसका कंडीशन भी यूज करना पड़ता है। तो क्या है कि सबसे पहले हमने क्या लिया कि द वॉल, मैसेज क्या है कि वो वॉल को क्या कर रहा है? बना रहा है। यानी कि वॉल जो है, यानी कि दीवार जो है वो तो किसके द्वारा बनाई जा रही है? इट मीन्स मैशन के द्वारा। मैशन मीन्स क्या हुआ? मजदूर हुआ। तो यानी कि द वॉल इज बीइंग है, बीइंग यानी कि बिल्ट, बिल्ट बाय द मैशन। क्लियर हुआ कि द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैशन, यानी कि बिल्ट क्या है? ये भी थर्ड फॉर्म है। हमने मैंने पहले बताया था बच्चों आपको कि थर्ड फॉर्म जो है आपको सभी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में यूज करनी है। यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म एवरी सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। इट्स क्लियर ना? तो फिर थर्ड सेंटेंस हमारा क्या हुआ? ये क्लियर हुआ आपको कि यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, हमने बी लगा के थर्ड फॉर्म बाय द मैसन। बाय क्या है? तो प्रपोजिशन है, ये हम इसमें बाय प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अब आ गया थर्ड फॉर्म, वो थर्ड सेंटेंस।
द प्योर ओपल टर्केट। फिर भी इसमें यही कंडीशन आएगी कि सेंटेंस है क्या, कौन सा सेंटेंस है जो हम इसके पैसिव वॉइस के रूल फॉलो करेंगे हम। तो उसमें क्या रूल्स हैं कि ये ओपन, ओपन से हमने पहचाना कि पास्ट इंडेफिनेट में हमेशा क्या बना लगाया जाता है, सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। यानी कि पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि हम पैसिव वॉइस में जाएंगे। पैसिव वॉइस में सेकंड फॉर्म में क्या है, वॉस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और इससे पहले हम क्या लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ यहाँ पर, द गेट। गेट यानी कि, और ओपन हमारा क्या हुआ, वर्ब। और द प्योर हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब वर्ब के पास हमारी क्या रखी हुई है, ऑब्जेक्ट। अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि द गेट। और सेकेंड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने क्या बना लिया, वॉज। तो द गेट वॉज ओपन बाय द प्योर। यानी कि गेट जो है, मतलब प्योन गेट बंद करता है, गेट जो है यानी कि प्योन के द्वारा बंद किया जाता है। इसका मीन्स ये निकलेगा हिंदी जब करेंगे, फिर ऊपर तो है कि प्योन गेट बंद करता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस होगा यानी कि प्योन के द्वारा गेट बंद किया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस बन गया बच्चों। इस तरह से आपको फोर सेंटेंस में समझा रही हूँ कि द सम बॉयज वर हेल्पिंग द बॉन्डेड मैन, बॉन्डेड मैन। तो द बॉन्डेड वॉज बीइंग हेल्प बाय द सम बॉयज। ऐसे बच्चों फिफ्थ है, ही विल फिनिश द वर्क इन द इन अ वीक। तो द वर्क विल बी फिनिश इन अ वीक, ये फ्यूचर डेफिनेट है बच्चों। द कैट किल्ड द माउस, ये सेकेंड फॉर्म में यानी पास इंडेफिनेट हुआ बच्चों। तो द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट, इट मीन्स ये पास इंडेफिनेट हुआ। तो पास इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग हमने वॉज लगाया है बच्चों, मैंने पहले भी बताया था पास इंडेफिनेट में वॉज लगाते हैं। और नेक्स्ट है द सडन नॉइज फ्राइटेंड द हॉर्स, तो इसमें क्या आएगा कि द हॉर्स वॉज फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइज। इट मीन्स ये हुआ बच्चों, आपको जितने आप ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप रूल्स याद करेंगे, बिना रूल्स के कुछ नहीं है। और रूल्स में सबसे पहले आप टेंसेस का स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, जब आपके टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपकी ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके बाय।